आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले न्यायिक सेवा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कई बार क्या होता है कि जहाँ पे भी आप रहते हैं, निवास करते हैं, तो आप स्वयं ही देखते हैं कि आपके क्षेत्र में यदि अपराध हो जाता है तो क्या है, पुलिस आती है, उस व्यक्ति या अपराधी को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है, अर्थात उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वह यह है कि क्या कोई मजिस्ट्रेट अर्थात दंडाधिकारी किसी व्यक्ति को जिसने अपराध कारित किया है उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, क्या उसे पकड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक शब्द सुना, मजिस्ट्रेट अर्थात दंडाधिकारी। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो वही जरा देखते हैं कि ये दो प्रकार के मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। मजिस्ट्रेट पहले तो होते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जैसे कि पहले नंबर पर हो गया कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेकंड हो गया अनुविभागीय अधिकारी, जैसे SDM भी कहा जाता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। इनका चयन जो होता है वो UPSC और PSC के माध्यम से होता है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है और जो स्टेट लेवल पे होता है पब्लिक सर्विस कमीशन का, इनके माध्यम से इनका चयन किया जाता है। और जो सेकेंड मजिस्ट्रेट होते हैं ये होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट। इनका चयन जो होता है हाई कोर्ट स्वयं करवाता है, एग्ज़ाम होता है, आपने सुना होगा सिविल जज क्लास 2 के बारे में, तो उसी उसी के माध्यम से इनका चयन होता है। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट में दोनों ही आते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हों या न्यायिक मजिस्ट्रेट हों, इन दोनों की बात चल रही है यहाँ पे। क्या इन दोनों के पास पावर है पुलिस के अलावा, पुलिस के अन्यथा इन दोनों के पास पावर है क्या किसी को गिरफ्तार करने की? तो यह जानने के लिए कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं कार्यपालक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके पास ये पावर है कि नहीं पुलिस के अलावा गिरफ्तार करने की, तो इसके लिए हम देखते हैं CRPC दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 44। तो आइए देखते हैं CRPC का सेक्शन 44 क्या कहता है। CRPC सेक्शन 44, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। पहला, जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, कार्यपालक और न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है। अर्थात या तो वह स्वयं भी गिरफ्तार कर सकता है या फिर किसी को आदेश दे सकता है। आदेश किसको देगा? पुलिस को देगा या अन्य किसी और को अधिकृत कर सकता है, उसे भी वह आदेश दे सकता है। और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। अर्थात जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंध, जमानत के बारे में अर्थात यदि जमानती अपराध है तो उस जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, और यदि अजमानती अपराध है तो उसे अपनी कस्टडी में ले लिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। अर्थात सेकंड पॉइंट यहाँ पे यह कह रहा है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, किसी मामले में इनके पास अधिकार है वारंट जारी करने का, तो यदि इन्हें उन्होंने वारंट जारी कर दिया है तो यह स्वयं भी जाकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी को आदेश या निर्देश दे सकते हैं। आदेश या निर्देश किसको देंगे? सीधी सी बात है, पुलिस को देंगे। तो पुलिस के द्वारा भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया जा सकता है और यह स्वयं भी उस मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जिसमें वारंट जारी इन्होंने कर दिया है। तो कुल मिलाकर सेक्शन 44 ऑफ CRPC यह स्पष्ट करता है कि पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट के पास पावर है, भले ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, इन दोनों के पास भी पावर है किसी मामले में, आपराधिक मामले की बात चल रही है यहाँ पे, किसी आपराधिक मामले में किसी व्यक्ति को जाकर गिरफ्तार कर सकते हैं। अब एक बात और प्रमुख है समझने की कि जब भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट की बात हो तो हर तहसील स्तर पर तहसील कार्यालय होते हैं, वहाँ पर इनका कार्यस्थल होता है, SDM का होता है, उन्हीं को हम SDO कहते हैं या तहसीलदार होते हैं, तो इनका कार्यस्थल वहीं का होता है। और जब भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की बात हो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो आपके दिमाग में एक कैच होना चाहिए कि जब भी न्यायिक वर्ड यूज़ हो जुडिशियल वर्ड यूज़ हो तो बात की जा रही है वहाँ पे कोर्ट में जज बैठे रहते हैं, मजिस्ट्रेट बैठे रहते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो होप गाइस मजिस्ट्रेट्स की ये पावर गिरफ्तार करने की आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लॉ से जुड़े हुए वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आपसे विदा लेता हूँ, नमस्कार।